यूनिक ऑनलाइन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स में अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, अपना फोर्सेस के रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे, जो फोर्स हमारा है और उसमें हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ने वाले थे। मतलब कि जो एक सेंट्रल फोर्स है उसमें बेसिकली अगर उसके अंदर जाएँ तो डायरेक्टरी के अंदर जो फोर्स मोशन इन अ प्लेन है उसमें मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स हम पढ़ने वाले थे कि एक सेंट्रल फोर्स जो होता है उसके जब अराउंड जब मोशन होता है, उसके जब काम में मोशन होता है तो कैसे होता है। लेकिन वो टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको जानना जरूरी होगा, तभी हम उस टॉपिक पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे जो आता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर्स और वेक्टर्स क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। ये क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स क्या है? एक साइंस है जो मेजरमेंट की साइंस है, जहाँ पे हर चीज़ को हम लगभग यूनिट्स में मेजर करते हैं कि ये इतना केजी है, ये इतना इसकी लेंथ है, इसकी वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतना है। तो मेजरमेंट में हमें क्वांटिटीज़ का यूज होता है। बिना क्वांटिटी हम किसी क्वांटिटी को ही तो मेजर करते हैं। जैसे हमें मान लीजिए क्वांटिटी, अगर स्केलर वेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्वांटिटीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। क्वांटिटी मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है तो कितना है हमारे पास, उसकी क्वांटिटी जानने के लिए हम वही अलग अलग क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक क्वांटिटी जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बार आती है, मास। मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग सब्सटेंस। पदार्थ की कितनी मात्रा है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी पिंड में, उसे कहते हैं उस बॉडी का मास, उस पिंड का द्रव्यमान। और क्या क्वांटिटी हो सकती है? टाइम एक क्वांटिटी है। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकें, वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है फिजिक्स में। मतलब जो भी चीज़ को हम मेज़र करेंगे फिजिक्स में वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। और उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दो फॉर्म्स में, कौन सा? स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अब समझते हैं स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? सिंपल से समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें एक मैग्नीट्यूड होगा, केवल होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा, केवल मैग्नीट्यूड। तो क्या है? ऑल क्वांटिटीज हैविंग ऑनली मैग्नीट्यूड, मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए कि वो कितना है हमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े। जैसा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें मास डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे हम, ये ऑब्जेक्ट जो है उसका केवल मैग्नीट्यूड हमें चाहिए कि कितना केजी है, 10 किलोग्राम्स हो सकता है, 20 किलोग्राम्स हो सकता है। तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी की, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। सिर्फ उनकी क्वांटिटी जब डिफाइन होगी तो हम क्या कहेंगे, ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जब उनमें हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, वो और चीज़ क्या है वो हमें समझ में आएगा वेक्टर्स में, कि वो एक्स्ट्रा क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम वेक्टर्स को बनाना पड़ा, हमें एक और क्वांटिटी टाइप की बनानी पड़ी वेक्टर्स को। तो मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो आपको मिले जिसको हमें डिफाइन करने के लिए केवल उसकी क्वांटिटी चाहिए होती है, केवल एक चीज़ चाहिए होती है, कितना नंबर है, एक नंबर। क्वांटिटी क्या होती है? थोड़ा मेजरमेंट का एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 किलोग्राम्स का है, सपोज हम कहते हैं 10 केजी का है, इसका मतलब क्या है? 10 केजी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है तो कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये 10 टाइम्स है 1 केजी के, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। 1 केजी का मतलब क्या है? 1 केजी का मतलब एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना दी गई है, एक स्टैंडर्ड ऐसी क्वांटिटी बना दी गई है कि ये इसको हम इसका जो मास होगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका मास जो है वो 1 केजी मान लिया गया है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका मास उस ऑब्जेक्ट के मास के 10 गुना है, उसको क्या बोलेंगे हम कि उसका मास 10 केजी है। और क्लियर इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि हम जैसे कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो क्या है, स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड जो है वो 20 टाइम्स है 1 किलोमीटर पर आवर की, 1 किलोमीटर पर आवर के। और 1 किलोमीटर पर आवर क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जब 1 घंटे में 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर ले, मतलब अभी उसकी जो पोजीशन है वो एक यहाँ पे हो और 1 घंटे बाद उसकी पोजीशन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हो, तो क्या कहेंगे उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन 20 किलोमीटर पर आवर क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है उसके 20 गुना तेज, उसके 20 गुना। मतलब कि क्वांटिटी जब हम किसी की डिफाइन करते हैं तो उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और एक उसकी यूनिट होती है। मतलब कि एक न्यूमेरिक वैल्यू कोई होगी जो क्या डिसाइड करेगी, क्या डिफाइन करेगी कि ये क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखी गई है उसकी कितना टाइम्स है। हर चीज़ का, हर स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन ऐसे ही होता है। जैसे कि हम अगर किसी ने टाइम कि कितना टाइम किसने लिया, एक ट्रेन है मान लीजिए वो एक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया, तो हम क्या बताएंगे, मान लीजिए बताया हमने 20 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20 × 1 सेकेंड है। मतलब कि 1 सेकेंड जो क्वांटिटी है, जो 1 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है उसका 20 गुना लिया। तो अगर कोई क्वांटिटी है, सपोज हम लिखते हैं अगर कोई क्वांटिटी है क्यू, अगर कोई क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है क्यू, एक क्वांटिटी हम लिख देते हैं क्यू, अगर क्यू एक क्वांटिटी है तो क्यू को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, एन इंटू यू। एन इंटू क्यू का क्या मतलब है, ये क्वांटिटी हो गई हमारी, क्यू क्या है क्वांटिटी हमारी है, कि मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना उसका मैग्नीट्यूड है, टोटल कितना क्वांटिटी है उसका। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इस फॉर्म में एन क्या है यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक कोफिशियंट, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कोफिशियंट। मतलब एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा नंबर जिसको हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी क्वांटिटी पता लग जाएगी। ये वैल्यू क्या बोलते हैं, ये जो है, ये है इसकी यूनिट। ये जो हम एक स्टैंडर्ड बेसिक यूनिट डिफाइन कर देते हैं उसके कितना टाइम्स वो क्वांटिटी है, यही उस क्वांटिटी की मेजरमेंट होगा। क्योंकि जैसे कि अभी हमने स्पीड वाले में देखा, टाइम वाले में देखा, अगर मान लीजिए ऐसे किसी की मास देख रहे हैं, मास वाले में कि इसका मास 10 किलोग्राम है, जिस वाला एग्जांपल में ऑब्जेक्ट का मास क्या था 10 किलोग्राम, तो अभी क्वांटिटी क्या हो गई, मास। तो क्वांटिटी हमारी जो है यहाँ पे मास वो कितना है, क्वांटिटी क्या है हमारी मास, और मास उसका कितना है 10 टाइम्स जो बेसिक यूनिट है मास की, यूनिट ऑफ मास। मतलब जो मास की एक यूनिट है उसका 10 टाइम्स है, तो यूनिट मतलब कितनी है मास की, मास यूनिट क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम, तो ये हो गया 10 किलोग्राम। तो एक क्वांटिटी का मेजरमेंट क्या होता है, उसका जो बेसिक यूनिट होती है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसके कितना गुना है, उसके कितना मल्टीपल है, वही उस क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है। किसी के अगर हम डेंसिटी नाप रहे हैं, मान लीजिए किसी वॉल्यूम नाप रहे हैं, किसी की वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं किसी लिक्विड का, तो क्या कहेंगे जितना लीटर है उसका, या जितना हम क्या कहेंगे सेंटीमीटर क्यूब है या मीटर क्यूब है, उसका 1 मीटर क्यूब का कितना गुना है। मान लीजिए 10 मीटर क्यूब अगर किसी का वॉल्यूम है तो क्या कहेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब के 10 गुना है। 1 मीटर क्यूब क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा। तो क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे होता है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट टाइम्स एक कोई यूनिट हो, एक कोई नंबर होता है पर्टिकुलर, उस नंबर को ही करते हैं उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और उस यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल उस क्वांटिटी की मेजरमेंट आती है। तो अब ऐसी क्वांटिटीज, अब स्केलर का क्या आ गया, एक ऐसी क्वांटिटीज, एक ऐसी कोई क्वांटिटी जिसमें हमें यूनिट तो हमें पता होगी, यूनिट तो हमें क्लियर है कि अगर कोई क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट हमें पहले जाननी होगी कि इस क्वांटिटी की यूनिट क्या है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्वांटिटी आया टाइम का, तो टाइम की यूनिट क्या है, मैं तुरंत आ गया सेकेंड, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या यूज होता है, सेकेंड। तो ऐसी क्वांटिटी अब हम कहेंगे टाइम स्केलर है, इसका क्या मतलब है कि हमें सेकेंड तो पहले से पता है यूनिट, मतलब हमें केवल ये चाहिए, नंबर चाहिए बस। ये जो हमें जो किसमें क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ ये एक नंबर काम है कि कितना नंबर उसे कितना मल्टीपल है, बस हमें समझ में आ जाए कि टाइम इतना है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो केवल और केवल अपना मैग्नीट्यूड चाहिए उनकी डेफिनेशन के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या है,
इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? मास है, टाइम हो गया, टाइम भी एक क्वांटिटी है, डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गई, और भी ऐसे बहुत सारी हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो टोटल क्वांटिटी होता है वो क्या होता है? वो स्टैंडर्ड यूनिट के एक मल्टीपल होता है। कितना उसका मल्टीपल है, कितने टाइम से स्टैंडर्ड यूनिट के, वही अगर केवल हमको केवल टाइम्स जो है नंबर है हमें केवल वो चाहिए होता है किसी क्वांटिटी के अगर मेजरमेंट के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये हमारे स्केलर का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें यूनिट हमें पता है, यूनिट के साथ में हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है कि कितना टाइम्स हो बेसिक यूनिट के। अगर किलोग्राम है, मास है, तो मास क्या है, एक किलो, हमें बता दो कि एक किलो, किलोग्राम तो हमें पता है किलोग्राम उसका यूनिट होगा, कितना टाइम्स है इसके, मान लो 0.5, मतलब ये 0.5 टाइम्स है एक किलोग्राम के, तो मास हमें तुरंत पता लग गया। इसके लिए हमें और किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, हमें तुरंत इस बॉडी से मास इसका पता लग गया। अब दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा हमारा है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। स्केलर्स का तो हमें क्लियर हो गया, अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या थी? ऐसी क्वांटिटीज जो केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उनको, स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज, जैसे हमने कहा था कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है। अब यहाँ पे समझेंगे हम कि वो क्या एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे हमें चाहिए होता है, जो कि हमें स्केलर में नहीं चाहिए होता है। तो वो एक्स्ट्रा चीज क्या है? वो एक्स्ट्रा चीज है डायरेक्शन। हाँ, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके डिफिनीशन के लिए, जिनको हम बताने के लिए, उनका मैग्नीट्यूड अगर हमें बताना है, उनका अगर हमें मेजरमेंट बताना है किसी को, तो उसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ में उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी स्पीड, वही जो कंपैरिजन में करेंगे, स्पीड हमने पिछले एग्जांपल में क्या लिखा है, स्पीड, स्पीड को किस में लिखा है, हमें स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में लिखा है। मतलब जो स्पीड होती है, अगर हम कहें कोई बाइक है वो इतने स्पीड से चल रही है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब हमें ये बताने की जरूरत नहीं किस डायरेक्शन में चल रही है, सीधा वो बाइक की जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 20 किलोमीटर कवर कर रहा है एक घंटे में, किस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, कितना चल के, ऐसे ऐसे चल के कवर कर रहा है कि सीधे चल के कवर कर रहा है, उससे मतलब नहीं है हमें। हमें सिर्फ ये जानना है कि वो यहाँ से यहाँ तक गया, तो चाहे जो पाथ फॉलो करके गया, वो पाथ टोटल क्या था, ये पाथ का टोटल जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस था 20 किलोमीटर, और एक घंटे के अंदर उसने तय कर लिया, तो वो उसकी हो गई स्पीड। लेकिन जो अगर वहीं पर हम वेलोसिटी देखते हैं उस ऑब्जेक्ट की, तो वेलोसिटी में वो केस नहीं रहेगा, वेलोसिटी में हम उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। वेलोसिटी क्या था, हमें बताया कि अगर हम बता रहे हैं किसी की ऑब्जेक्ट की इसकी वेलोसिटी ये है, तो हमें एक डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए एक पोल है, यहाँ पे एक पोल रखा है, एक खंबा है, यहाँ पे थोड़ा तिरछा लग रहा है क्या खंबा, जैसे बनाते हैं फिर एक सीधा खंबा है, मतलब एक्चुअल वाला पोल जैसे कह सकते हैं, ये एक पोल है। अब इस पोल से एक मान लीजिए कार है बगल में जा रही है, यहाँ पे एक कार है जा रही है, ऐसे रिप्रेजेंट बॉक्स से हम कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर हमें इसकी वेलोसिटी को डिफाइन करना है, तो हमें क्या करना रहेगा कि इसका पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब कि 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से है, स्पीड तो है इसकी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो है 20 किलोमीटर पर आर, 20 किलोमीटर पर आर, लेकिन डायरेक्शन क्या है ये भी बताओ, तब वेलोसिटी की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इस पोल से इधर, यानी ईस्ट डायरेक्शन में, इस पोल से ईस्ट डायरेक्शन में, ये है इसकी डायरेक्शन। तो जब वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की, तो क्या करेंगे, उसका हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो वेलोसिटी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसका ही अगर डेफिनेशन हम लिख लें, यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी, एक कोई फिजिकल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच किस क्या क्या जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन, एक उसको
दिशा की भी जरूरत होती है, एक डायरेक्शन की भी जरूरत होती है एक पर्टिकुलर रेफरेंस से। अब मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन फॉर इट्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको उसके मेजरमेंट के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी जाननी हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इनका, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को। वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं कि जब भी क्वांटिटी को लिखते हैं, सपोज हमने वेलोसिटी को लिखा कि वेलोसिटी v है, वेलोसिटी है, तो उसका जो सिंबल होगा, वेलोसिटी का सिंबल मान लीजिए हमने कहा v, तो इस सिंबल के ऊपर हम एक एरो लगा देंगे, बस एक एरो। ये एरो क्या रिप्रेजेंट, आपने ये सिंबल अगर देखा होगा तो इस सिंबल का क्या मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड तो है ही, ये जो क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ में इसकी डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे हम अगर कोई फोर्स लिखते हैं, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हमने अगर डिफाइन करना है कि फोर्स इस ऑब्जेक्ट में हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा कि हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या हुआ, वही एन इंटू यू, मतलब एक नंबर होगा 20 और एक यूनिट होगी, यूनिट क्या है उसकी, न्यूटन। तो फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, 20 न्यूटन का। साथ ही साथ में चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम उसके डायरेक्शन भी हमें बताना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम, एक ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, या कि अगर हम एक्स वाई वाला प्लेन इमेजिन करें, ये जो प्लेन है, ये प्लेन इमेजिन करें, ये क्या होता है, ये डायरेक्शन एक्स होती है और ये डायरेक्शन वाई होती है, और यहां पे सपोज हमने यहां से इस पे फोर्स लगाया, ऐसे एक फोर्स लगाया एफ किसी ऑब्जेक्ट पे, एक पार्टी के पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है जिसमें हमें पर्टिकुलर फोर्स लगाया एफ, तो अब क्या कहेंगे हम कि एक्स डायरेक्शन में हमने इसको, एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पे, तो अब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको एफ लिखेंगे, एफ के ऊपर एक एरो बना देंगे, इससे क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20 न्यूटन। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 न्यूटन, ये इसका केवल मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड को, वेक्टर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, ऐसे लिखते हैं, मतलब कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, अगर हम दिखा रहे हैं कोई वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है, सपोज वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है उसको हम वी कह रहे हैं, या सपोज वो क्वांटिटी है कोई तो क्यू कह रहे हैं, तो क्या है उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, क्यू के ऊपर एक एरो लगा देंगे, और जब हमें कोई पूछेगा कि पूरी क्वांटिटी हो गई, पूरी क्वांटिटी ये हो गई, और जब हम कोई पूछे मैग्नीट्यूड इसका कितना है, मैग्नीट्यूड क्या हुई, जब हम डायरेक्शन को हमें छोड़ना है तो मैग्नीट्यूड केवल कितना है इसका, मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू टोटल क्वांटिटी जो है इसका मॉड, ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन हो गया उस ऑब्जेक्ट के केवल मैग्नीट्यूड का। जैसे फोर्स काम करेंगे, मान लीजिए वहां पे हम वेलोसिटी का करें, तो वी लिख के वी के ऊपर एरो और बगल में मॉड, ये उसके मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन। तो एक ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनको डेफिनेशन के लिए, जिनको बताने के लिए हमें उनके मैग्नीट्यूड जरूरत हो ही, साथ ही साथ में उनकी एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो। और एग्जांपल अब देखते हैं कि मैग्नीट्यूड के, सॉरी, ये वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। अभी एक तो हमने तुरंत देखा, फोर्स, वेलोसिटी, और क्या था, पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, पोजीशन। अब आप पुराने लेक्चर में अगर आपको याद हो तो पोजीशन क्या हुआ था, पोजीशन क्या होगा, एक पर्टिकुलर रेफरेंस होगा हमारा, ये रेफरेंस पॉइंट हमारा ए, और जो दूसरा हमारा पॉइंट होगा बी, जिसका हमें रेफरेंस, जिसका हमें पोजीशन बताना है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, इससे इसकी डिस्टेंस बतानी पड़ेगी, कितनी डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन में है, इससे जो बी का है उससे उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तब हम जाके बी की पोजीशन को हम बता पाएंगे ए के रेस्पेक्ट में, कि बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है और कितना दूरी पे है उससे।
तो पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पोजीशन हो गई एक्सेलरेशन, याद है ना, एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चूंकि वेलोसिटी खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है ही, तो उसका जो चेंज होगा उसमें वो भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है और किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो वो भी एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया। और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, पोजीशन हो गई, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, पोजीशन और डिस्टेंस और इसे पोजीशन में याद रखिएगा क्लियर, कि डिस्टेंस क्या होता है, सिंपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी, कितना दूरी पे वो है, और पोजीशन क्या होगी, उसकी दूरी तो हमें डिस्टेंस तो पता ही हो, साथ ही साथ में उसकी डायरेक्शन भी जब पता हो, जब उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी पता हो, तो क्या कहेंगे हम, कि वो एक हमें वेक्टर क्वांटिटी मिली, जिसको कहेंगे हम पोजीशन। तो ये सारी हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या क्या थे, स्केलर के मास है, टाइम है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, स्पीड है, और भी आगे हैं, अब जैसे जैसे आगे चलेंगे हम समझ में आएगा कि हाँ ये सारी हैं। दूसरा क्या है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब है हमारे पास तो हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फोर्स फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी जो क्वांटिटीज होती हैं, इन सब के मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही होते हैं, साथ ही साथ में डायरेक्शन तो चाहिए होते हैं। तो ये होता है स्केलर कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें डिस्टेंस जो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उनको वेक्टर कहेंगे, और जो क्वांटिटीज केवल मैग्नीट्यूड से अपना डेफिनेशन पूरा कंप्लीट कर लेती हैं, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ये था हमारा स्केलर और वेक्टर का, ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा रहेगा वो हम देखेंगे अब, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, ये कैलकुलस का कॉन्सेप्ट हमें आगे देखना पड़ेगा। ये बेसिक जो मैथमेटिकल टूल्स हैं हमारे, जो मैथमेटिक्स के जो बेसिक टूल्स होंगे, जो ज़रूरत पड़ेंगे आपको सेंट्रल फोर्स का, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स जानने के लिए, सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर कैसे मोशन होता है उनको समझने के लिए, उनके इक्वेशंस को डेराइव करने के लिए हमें इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अगली क्लास में इन टूल्स को देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे इनका यूज़ करते हैं हम अपने फिजिक्स में एक पर्टिकुलर वैल्यूज को निकालने के लिए, और क्यों यूज करते हैं वो भी हम समझेंगे। तो आज की क्लास में हम स्केलर और वेक्टर्स में बस इतना।